हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इन्फोटेक इंडिया। सो गाइस, इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ पांच स्मार्टफोन का कंपैरिजन जो ओप्पो एंड वीवो कंपनी के हैं, जिसमें कि हाल ही में लॉन्च हुए ओप्पो F7 और वीवो V9 के साथ ही ओप्पो F5, वीवो V7 प्लस और ओप्पो F3 भी शामिल है। सो गाइस, इस वीडियो में आप ये मत समझिए कि यहाँ पे आपको एक अच्छी स्पेसिफिकेशन वाला एक फ़ोन देखने को मिलेगा। यहाँ हम सिर्फ बात करने वाले हैं सेल्फी की, सेल्फी सेंट्रिक स्मार्टफोन्स की जो ये ओप्पो एंड वीवो के हैं। और गाइस, वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी मैंने हैंड्स ऑन कंपैरिजन किया है या स्पेसिफिकेशन कंपेयर किया है, और साथ में आखिर में अपना ओपिनियन भी दूंगा कि आखिर कौन सा फ़ोन सही रहेगा। सो गाइस, वीडियो देखते रहिए। सो गाइस, हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं बॉडी टाइप और थिकनेस को देखते हुए। सो गाइस, सबसे पहले अगर बात करते हैं ओप्पो F7 की, तो यहाँ पे ये फ़ोन बना है गिलास का। इसका जो बैक है वो गिलास का है। वहीं वीवो V9 बना है, आपको जो बैक दिया गया है वीवो V9 में वो है प्लास्टिक। वहीं ओप्पो F5, वीवो V7 प्लस, ओप्पो F3 प्लस, ये सभी आपको मेटल फोन्स है, यूनिबॉडी मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल यूज़ किया गया है इनका बॉडी के लिए। वहीं सबसे पतला फ़ोन इनमें सबसे ज़्यादा पतला है ओप्पो F3 प्लस 7.4 mm। वहीं इसके बाद सबसे पतला है आपको ओप्पो F5 7.5 mm, और इसके बाद सबसे पतला है आपको वीवो V7 प्लस 7.7 mm। इसके बाद सबसे पतला है ओप्पो F7 जो कि आता है 7.8 mm में, और इन सब में सबसे ज़्यादा मोटा है वीवो V9 जो आता है 7.9 mm का। वेट की बात करें तो इनमें सबसे ज़्यादा हल्का है आपको वीवो V9 जो आता है 150 ग्राम्स का। इसके बाद सबसे ज़्यादा हल्का है ओप्पो F5 जो आता है 152 ग्राम्स का, और इसके बाद सबसे ज़्यादा हल्का है आपको ओप्पो F7 158 ग्राम्स, और इसके बाद आता है आपका वीवो V7 प्लस 160 ग्राम्स का, और ओप्पो F3 प्लस जो इनमें सबसे ज़्यादा वजन का है वो है 185 ग्राम्स का। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो इनमें सबसे ज़्यादा बैटरी आपको देखने को मिलेगा ओप्पो F3 प्लस में, जहां आपको मिलता है 4000 mAh का बैटरी, जिसकी वजह से फ़ोन भारी हो जाता है। फिलहाल इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। वहीं इसके बाद सबसे ज़्यादा बैटरी आपको देखने को मिलेगा ओप्पो F7 में, जहाँ आपको 3400 mAh का बैटरी देखने को मिलेगा। यहाँ आपको फास्ट चार्जिंग नहीं दिया गया है। इसके बाद आपको सबसे ज़्यादा बैटरी वीवो V7 प्लस में देखने को मिलेगा, 3325 mAh का बैटरी है, इसमें भी आपको फास्ट चार्जिंग नहीं दिया गया है। इसके बाद आपको वीवो V9 में जो बैटरी दिया गया है वो है 3260 mAh का, यहाँ पे भी आपको फास्ट चार्जिंग नहीं दिया गया है। और आखिर में ओप्पो F5 जिसमें आपको सबसे कम बैटरी दिया गया है इन सभी के कंपैरिजन में, वो है 3200 mAh का, और इसमें भी आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं दिया गया है। बैटरी कैपेसिटी के बाद अगर डिस्प्ले साइज की बात करते हैं तो इनमें सबसे बड़ा डिस्प्ले आपको वीवो V9 में देखने को मिलेगा, 6.3 inch का फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले दिया गया है। इसके बाद सबसे बड़ा डिस्प्ले आपको ओप्पो F7 में देखने को मिलेगा, 6.23 inch का फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले। वहीं ओप्पो F5 और ओप्पो F3 प्लस में आपको 6 inch का डिस्प्ले दिया गया है। वहीं ओप्पो F5 का जो डिस्प्ले है वो फुल HD प्लस है, लेकिन जो ओप्पो F3 प्लस का जो डिस्प्ले है वो फुल HD है, ना कि फुल HD प्लस है। वहीं इनमें सबसे छोटा डिस्प्ले है वीवो V7 प्लस का 5.99 inch का, जो कि एक HD प्लस वाला डिस्प्ले है, ना कि फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले है। वहीं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो पांचों ही फोन का जो डिस्प्ले टाइप है वो IPS LCD है। डिस्प्ले एस्पेक्ट रेशियो की बात करें तो ओप्पो F7 और वीवो V9 में जो डिस्प्ले दिया गया है वो है 19:9 का। वहीं ओप्पो F5 और वीवो V7 में जो डिस्प्ले दिया गया है वो है 18:9 का। वहीं ओप्पो F3 में आपको 16:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा। डिस्प्ले PPI और प्रोटेक्शन की बात करें तो ओप्पो F7 में आपको 405 PPI वाला डिस्प्ले मिलेगा, वीवो V9 में आपको 400 PPI वाला डिस्प्ले मिलेगा, ओप्पो F5 में आपको 402 PPI वाला डिस्प्ले मिलेगा, वीवो V7 में आपको 269 PPI वाला डिस्प्ले मिलेगा, ओप्पो F3 प्लस में आपको 367 PPI वाला डिस्प्ले मिलेगा। सो गाइस, अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपको कलर प्रोडक्शन और जो व्यूइंग एंगल्स है वो किस में ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं, तो ओप्पो F7, वीवो V9 और ओप्पो F5 में आपको जो कलर प्रोडक्शन होंगे, जो कलर्स होंगे, वो काफ़ी अच्छे लगेंगे इन फोन्स में। वहीं सबसे ज़्यादा ख़राब इन सभी के कंपैरिजन में आपको देखने को मिलेगा वीवो V7 प्लस में, क्योंकि इसका जो पिक्सल पर इंच डेंसिटी है वो बहुत कम है।
डिस्प्ले प्रोटेक्शन की बात करें तो Oppo F7, Oppo F5 और Oppo F3 प्लस में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 देखने को मिलेगा। वहीं Vivo V9 में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास दिया गया है। कौन सा वर्जन दिया गया है इसके बारे में कंपनी के वेबसाइट में कोई भी जानकारी नहीं है। Vivo V7 प्लस में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 4 देखने को मिलेगा। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो सबसे ज्यादा स्क्रीन आपको Vivo V9 में देखने को मिलेगा और उसके बाद सबसे ज्यादा स्क्रीन आपको Oppo F7 में देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको Vivo V7 प्लस में देखने को मिलेगा 84.4%। इसके बाद आपको Oppo F5 में देखने को मिलेगा 78.11%। और सबसे कम इनमें से स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलेगा आपको Oppo F3 प्लस में, वो है 74.9%। सो गाइस अब बात करते हैं प्रोसेसर्स की। अगर मैं प्राइस को लेके चलूँ तो यहाँ इसमें जो प्रोसेसर्स दिए गए हैं वो इसकी प्राइस को जस्टिफाई नहीं करते। तो मैंने दोस्तों आपको पहले ही कहा था ये फ़ोन एक सेल्फी सेंट्रिक स्मार्टफोन है, इसमें आपको अच्छे हार्डवेयर्स मिलेंगे इसकी उम्मीद तो कम ही है। फिलहाल अगर हम बात करते हैं Oppo F7 की प्रोसेसर की तो यहाँ आपको मिलता है हीलियो का P60 प्रोसेसर, मीडियाटेक का प्रोसेसर है ये और ये लेटेस्ट लॉन्च हुआ है। और ये भी एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और इसका जो क्लॉक स्पीड है वो है 2 GHz। हालांकि इसके 8 कोर 2 GHz के ऊपर वर्क करते हैं और 4 कोर इसके बने हुए हैं आर्किटेक्चर A73 पे और जो 4 कोर हैं वो A53 के ऊपर बने हुए हैं। वही अगर बात करते हैं Vivo V9 में तो यहाँ पे आपको जाना माना स्नैपड्रैगन 626 देखने को मिलेगा जो क्लॉक किया गया है 2.2 GHz के ऊपर। Oppo F5 में आपको मिलता है MediaTek का हीलियो P23 जो क्लॉक किया गया है 2.5 GHz के ऊपर। Vivo V7 प्लस में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 450 जो क्लॉक किया गया है 1.8 GHz के ऊपर। वहीं Oppo F3 प्लस में आपको स्नैपड्रैगन का 653 देखने को मिलेगा जो क्लॉक किया गया है 1.95 GHz के ऊपर। प्रोसेसर कोर और टेक्नोलॉजी की बात करें तो पांचों ही फोन का जो प्रोसेसर है वो एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। वहीं अगर बात करते हैं प्रोसेसर टेक्नोलॉजी की जिसके वजह से इन फोन में जो स्पीड है, इन फोन की जो एफिशिएंसी है वो इसमें हमें पता चलेगी। सो गाइस यहाँ पे जो मीडियाटेक का हीलियो P60 है वो बना है आपको 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोसेसर होगा, ये जो फ़ोन होगा, ये काफ़ी ज़्यादा बैटरी इफ़िशेंट होगा और काफ़ी ज़्यादा स्पीड काम करेगा इन कंपैरिजन टू बाकी फोन्स के। इसके बाद यहाँ पे अगर हम Vivo V9 की बात करें तो ये बना है आपको 40 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे और सेम आपको Vivo V7 प्लस भी बना है आपको 40 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे। तो Oppo F7 के बाद सबसे ज़्यादा बैटरी इफ़िशियंट आपको प्रोसेसर आपको Vivo V9 में दिया गया है और Vivo V7 प्लस में दिया गया है। उसके बाद अगर बात करते हैं Oppo F5 की तो यहाँ पे जो आपको दिया गया है MediaTek का हीलियो P23 ये बना है 16 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे, तो ये भी काफ़ी अच्छा बैटरी इफिशियंट होगा। और अगर हम बात करते हैं इन पांचों में सबसे ज़्यादा बैटरी कंजम्पशन करने वाला फ़ोन या फिर प्रोसेसर कौन सा है तो वो मिलेगा आपको Oppo F3 प्लस में स्नैपड्रैगन 653 क्योंकि ये बना है आपको 28 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे। प्रोसेसर के बाद अगर हम बात करते हैं GPU की तो इनमें सबसे अच्छा जो ग्राफिक्स है वो आपको मिलेगा Oppo F7 में क्योंकि इसमें जो आपको MediaTek का हीलियो P60 दिया गया है उसमें आपको माली का G72 MP3 वाला GPU दिया गया है जो इनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इन पांचों में सबसे ज़्यादा पावरफुल GPU Oppo F7 का है। इसके बाद आपको सबसे ज़्यादा पावरफुल GPU Oppo F5 में देखने को मिलेगा जहाँ आपको MediaTek का हीलियो P23 दिया गया है जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है माली का G71 MP2 वाला GPU। वहीं Vivo V9, Vivo V7 Plus और Oppo F3 में आपको स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर दिए गए हैं। सो गाइस यहाँ आपको एड्रिनो के प्रोसेसर देखने को मिलेंगे। Vivo V9 में आपको एड्रिनो 506 दिया गया है, Vivo V7 Plus में भी आपको एड्रिनो 506 दिया गया है, वहीं Oppo F3 Plus में आपको एड्रिनो 5150 दिया गया है। रैम और इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो Oppo F7 आपको 2 वेरिएंट में आएगा, 4 GB रैम, 64 GB इंटरनल स्टोरेज, 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज। वहीं Vivo V9 आपको सिर्फ सिंगल वेरिएंट आएगा, 4 GB रैम, 64 GB इंटरनल स्टोरेज। Oppo F5 आपको मिलता है दो वेरिएंट में, 4 GB रैम, 32 GB इंटरनल स्टोरेज, 6 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज। Vivo V7 Plus आपको सिंगल वेरिएंट आता है, 4 GB रैम, 64 GB इंटरनल स्टोरेज। वहीं Oppo F3 Plus में आपको दो वेरिएंट मिलते हैं लेकिन सिंगल इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा, यानी कि 4 GB रैम, 64 GB इंटरनल स्टोरेज या फिर 6 GB रैम, 64 GB इंटरनल स्टोरेज।
पांचों ही फोन की मेमोरी को आप एक्सपैंड कर सकते हो अप टू 256 GB। सिम स्लॉट टाइप की बात करें तो ओप्पो F7, वीवो V9, ओप्पो F5 और वीवो V7 प्लस में आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट दिया गया है। वहीं ओप्पो F3 प्लस एक लौता फोन है जिसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है इन सभी के कंपैरिजन में। एंड्रॉइड वर्जन की बात करें तो ओप्पो F7 और वीवो V9 में आपको ओरियो देखने को मिलेगा, ओप्पो F5 Vivo V7 Plus में आपको नोगट देखने को मिलेगा, वहीं Oppo F3 Plus में आपको मार्शमेलो देखने को मिलेगा। ये सभी फोन में आपको दोस्तों कस्टम UI दिया गया है, कस्टम यूजर इंटरफेस दिया गया है। सबसे Oppo F7 में आपको कलर OS 5 दिया गया है, Vivo V9 में आपको फन टच OS 4 दिया गया है, Oppo F5 में आपको कलर OS 3.2 दिया गया है, Vivo V7 Plus में आपको फन टच OS 3.2 दिया गया है, वहीं Oppo F3 Plus में आपको कलर OS 3 दिया गया है। सो गाइस अब बात करते हैं इन फोन्स की की हाईलाइट की, जो कि है इनका कैमरा। सबसे पहले बात करते हैं रियर कैमरा की। तो Oppo F7 में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का F1.8 वाला कैमरा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं Vivo की, तो यहाँ आपको मिलते हैं दो कैमरा 16+5 मेगापिक्सल के, और दोनों ही कैमरा का जो अपर्चर है वो है F2.0। Oppo F5 में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का कैमरा जिसका अपर्चर है F1.8। Vivo V7 Plus में जो आपको रियर कैमरा दिया गया है वो है 16 मेगापिक्सल का जिसमें आपको अपर्चर दिया गया है F2.0। Oppo F3 Plus में जो आपको रियर कैमरा दिया गया है वो है 16 मेगापिक्सल का जिसका अपर्चर है F1.7। सो गाइस अगर मैं इससे कोई पूछे कि यहाँ पे आपको जो लो लाइट फोटोग्राफी आप किस फ़ोन में अच्छे होंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पे Oppo के जो फोन से Oppo F5, Oppo F7, Oppo F3 Plus, इन फोन्स में आप लो लाइट फोटोग्राफी काफ़ी अच्छे कर पाओ क्योंकि यहाँ पे जो इनका अपर्चर है वो काफ़ी कम है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बोके शॉट्स की, तो इनमें सबसे अच्छा बोके शॉट्स आपको Vivo V9 में देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ आपको ड्यूल कैमरा सेटअप देख दिया गया है। रियर कैमरा वीडियो रिकॉर्ड साइज की बात करें तो Oppo F7 में मुझे कन्फ्यूजन है कि ये 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है या फिर फुल HD वीडियो ही रिकॉर्ड कर सकता है, सो गाइस यहाँ पे मैंने अनस्पेसिफाइड लिखा है। वहीं अगर Vivo V9 की बात करें तो ये 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है एट 30 FPS। Oppo F5 में आप जो हाईएस्ट वीडियो रिकॉर्ड साइज है वो है फुल HD एट 30 FPS। Vivo V7 Plus में भी आप हाईएस्ट फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं एट 30 FPS। वही Oppo F3 Plus में आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं एट 30 FPS। पांचों में से सिर्फ आपको Oppo F3 Plus में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगा और बाकी के चारों फोन में आपको कुछ भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं दिया गया है। रियर के बाद अगर दोस्तों हम देखते हैं फ्रंट कैमरा को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Oppo F7 में आपको दिया गया है 25 मेगापिक्सल का कैमरा जिसका अपर्चर है F2.0। वहीं Vivo V9 में आपको सिर्फ 1 मेगापिक्सल कम है Oppo F7 से, यहाँ आपको मिलता है 24 मेगापिक्सल का कैमरा जिसका अपर्चर है F2.0। Oppo F5 में आपको 20 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है जहाँ आपको मिलता है जिसका अपर्चर है F2.0, और Vivo V7 Plus में आपको 24 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है जिसका अपर्चर है F2.0। वहीं Oppo F3 Plus इन सभी में एक लौता फ़ोन है जिसमें आपको ड्यूल कैमरा दिया गया है फ्रंट में, जो कि है 16+8 मेगापिक्सल का। जो 16 मेगापिक्सल कैमरा है उसका अपर्चर है F2.0, वहीं 8 मेगापिक्सल का कैमरा का अपर्चर मुझे नहीं पता है। तो फिलहाल अगर हम बात करते हैं दोस्तों फोटो किसमें अच्छा आएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो जिनका भी इमेज प्रोसेसिंग अच्छा होगा डेफिनेटली वो फ़ोन यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छी सेल्फी खींच के देगा। लेकिन अगर बोके शॉट्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे Oppo F3 Plus में आपको ज़्यादा अच्छे बोके शॉट्स देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ आपको ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है। फ्रंट कैमरा में फ्लैश आपको सिर्फ Vivo V7 Plus में दिया गया है और बाकी के सभी फ़ोन में आपको फ्रंट फ्लैश की जगह स्क्रीन फ्लैश दिया गया है। फ्रंट कैमरा वीडियो रिकॉर्ड साइज की बात करें तो पांचों ही फोन में आप फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं एट 30 FPS, और साथ ही पांचों में से किसी भी फोन में आपको फ्रंट के लिए ना इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन दिया गया है ना ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन दिया गया है। सभी फ़ोन में दोस्तों आपको 2G, 3G, 4G VoLTE का सपोर्ट दिया गया है, लेकिन किसी भी फ़ोन में आपको ड्यूल 4G स्टैंडबाय नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये है कि आप एक बार में एक सिम में 4G चला सकते हैं और दूसरे सिम में या तो 2G या तो 3G चला सकते हैं। आप दोनों सिम में एक साथ 4G नहीं चला पाओगे किसी भी फ़ोन में। वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS आपको सभी फ़ोन में दिया गया है
FM रेडियो की बात करें तो सिर्फ Oppo F3 Plus में आपको FM रेडियो नहीं दिया गया है, वहीं बाकी के सभी फ़ोन में आपको FM रेडियो दिया गया है। IR ब्लास्टर की बात करें, इंफ्रारेड सेंसर की बात करें तो किसी भी फ़ोन में आपको इंफ्रारेड सेंसर नहीं दिया गया है, वहीं लाइट सेंसर या प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपको सभी फ़ोन में दिया गया है। एक्सेलेरोमीटर, कंपास सेंसर, जायरोस्कोप सेंसर ये सभी फ़ोन में आपको दिया गया है। वही अगर बात करते हैं NFC की तो सिर्फ Oppo F7 में आपको NFC दिया गया है और बाकी के किसी भी फ़ोन में आपको NFC नहीं दिया गया है। USB Type एंड OTG सपोर्ट की बात करें तो आपको सभी फ़ोन में आपको माइक्रो USB 2.0 दिया गया है और ये सभी के सभी आप OTG सपोर्ट के साथ आते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको सिर्फ Oppo F3 Plus में सामने की तरफ मिलता है और बाकी के सभी फ़ोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर फ़ोन के पीछे मिलता है। वहीं फेस अनलॉक की बात करें तो आपको सिर्फ Oppo F3 Plus में फेस अनलॉक नहीं दिया गया है, वहीं बाकी के सभी फ़ोन Oppo F7, Vivo V9, Oppo F5 और Vivo V7 Plus में आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन दिया गया है। और आखिर में दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक समरी बनाया है, एक चार्ट बनाया है, जिससे आप ये पता कर सको कि किस फ़ोन में आपको क्या कुछ मिलता है। आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इस वीडियो को पॉज करके इस चार्ट को देख सकते हो। सो गाइज, यही था एक छोटा सा कंपैरिजन इन सभी फ़ोन का। अब गाइज, मेरे ओपिनियन की बात करें कि आपको कौन सा फ़ोन किस लिए लेना चाहिए। सो गाइज, अगर आपका मोटो है आपके फ़ोन में कि आपको अच्छा पावर भी मिल जाए, कैमरा तो मिले, गाइज एक बात आप समझ लीजिए कि मैं यहाँ पे आपको कोई भी फ़ोन रिकमेंड नहीं करूँगा। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप कोई ऐसा फ़ोन लेना चाहते हो जिसमें आप सेल्फी जो आपका है वो प्रायोरिटी है, सेल्फी प्रायोरिटी है, तो डेफिनेटली आप इनमें से कोई फ़ोन ले सकते हो। अब कौन सा फ़ोन लेना है तो उसके लिए मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूँ। आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। सो गाइज़, अगर आपका आप चाहते हो कि आपके फ़ोन में एक आपको पावर भी मिले, मतलब कि आपके फ़ोन में आप थोड़ा अच्छे हाई एंड गेम्स भी खेल सको, आपके फ़ोन की जो स्क्रीन हो काफ़ी बड़ी हो, आप ड्यूल कैमरा सेटअप नहीं भी हो तो चलेगा, आपका मेन सामने की तरफ जो कैमरा होना चाहिए वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा Oppo F7। लेकिन अगर आप चाहते हो आपको ड्यूल कैमरा का सेटअप मिले, अच्छा सामने का कैमरा मिले, हालांकि आपको जो प्रोसेसर है वो थोड़ा सा पुराना ही आपको मिलेगा, तो वो आप ले सकते हैं Vivo V9, क्योंकि यहाँ आपको स्नैपड्रैगन 626 मिलता है, इसमें थोड़ा सा लेटेस्ट मिलता तो अच्छा रहता ये फ़ोन, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हालांकि आपको किसी भी फ़ोन में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं दिया गया है, एक्सेप्ट आपको Oppo F3 Plus में दिया गया है। और अगर आपको ज़्यादा बैटरी वाला फ़ोन चाहिए तो आप Oppo F3 Plus भी ले सकते हो, क्योंकि इसमें भी आपको 16+8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा कैमरा है। और जो 16 मेगापिक्सल का कैमरा है वो काफ़ी अच्छा है Oppo F3 Plus का, और Oppo के सभी जो बैक कैमरा वो काफ़ी अच्छे, क्योंकि इनका एपर्चर काफ़ी कम है, तो लो लाइट फोटोग्राफी बहुत अच्छा होगा आपको Oppo के फ़ोन से। सो गाइस, यही था मेरा रिकमेंडेशन कि अगर मेरा फाइनल कह रहा है तो अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसा फ़ोन मिले जहां आपको आपका ड्यूल कैमरा सेटअप आपके लिए प्रायोरिटी नहीं, आपका सिर्फ प्रायोरिटी है आपको जो फ्रंट कैमरा हो वो काफ़ी अच्छा निकल के आए और आपको पावर भी मिले फ़ोन में, तो आप ले लो Oppo F7। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका जो पावर कम भी हो तो चलेगा, लेकिन आपको जो ड्यूल कैमरा सेटअप मिले, तो आप Vivo V9 ले सकते हो। लेकिन इस फ़ोन में काफ़ी सारे कॉन्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि ये फ़ोन बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो प्लास्टिक बॉडी मिलता है आपको, फास्ट चार्जिंग नहीं दिया गया है, बैटरी थोड़ी सी कम दी गई है इस अकॉर्डिंग टू स्क्रीन, स्क्रीन काफ़ी बड़ा था, यहाँ बैटरी थोड़ी सी और देनी चाहिए थी Vivo कंपनी को। वही Oppo F5 भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है इसमें आपको, लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको हीलियो का प्रोसेसर दिया गया है, सो गाइस यहाँ मैं आपको सिर्फ रिकमेंड करूँगा Oppo F7, क्योंकि यहाँ पे हीलियो का जो नया प्रोसेसर है P60 वो दिया गया है, और जो Vivo V9 इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर दिया गया है और साथ ही यहाँ पे ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है। सो गाइस, ये था मेरा रिकमेंडेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इस तरह के टेक रिलेटेड कंपैरिजन लाता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।